तो वीडियो में बने रहें लास्ट तक। तो चलिए चलते हैं आगे और फुटवेयर की वीडियो आपको दिखाते हैं किस तरह से फुटवेयर यूज होता है। और उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, जिससे कोई भी वीडियो हम घेरें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पे जाए जाए और आप वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि अगर हमें गाड़ी सीखनी है तो एक सिंपल रोड पर सीखनी होती है जहाँ पर ट्रैफिक ना हो, और किस तरह से वहाँ पर चलाते हैं उसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो फुटवेयर के लिए मैं आपसे बात कर रहा था, फुटवेयर के दिखाता हूँ। तो चलते हैं फुटवेयर पे, किस तरह से हम फुटवेयर को तो शुरू करते हैं। जैसे हमारा ब्रेक यहाँ पर लगा हुआ है, हमने क्लिच पूरी दबा रखी है, तो क्लिच को धीरे धीरे छोड़ेंगे हम, ब्रेक से पैर हटाएंगे और क्लिच को धीरे धीरे छोड़ेंगे, और एक्सीलेटर पे हम पैर नहीं देंगे। ये बिगनर के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों के लिए जो पहली बार गाड़ी चलाते हैं, दूसरी तीसरी गाड़ी चलाते हैं, तो उनको ओनली क्लिच ही छोड़नी होती है। धीरे धीरे इस तरह से क्लिच छोड़ देनी होती है। अब हल्का हल्का एक्सीलेटर देना होता है, इस तरह से हम एक्सीलेटर हल्का हल्का देंगे और आप देख सकते हो हमारी गाड़ी चल रही है। इस तरह से हमारी गाड़ी चलने लगी है और फुटवियर जो है हमारे यूज हो रहे हैं। तो हम इस तरह से ही करते हैं, ओनली हमारा क्लिच को तो फ्री कर देते हैं हम जब गाड़ी चलाते हैं, और फर्स्ट गियर में ही हम गाड़ी चलाएंगे। इस तरह से हल्की सी रेस पे हम चलाते हैं गाड़ी को जब हम सीखते हैं, तो पैरों का यूज इस तरह से करते हैं। और ब्रेक जब हमें लेना होता है तो ब्रेक का भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ब्रेक हम किस तरह से लेते हैं। हमारी गाड़ी चल रही है और किस तरह से फुटवियर पे हम चला रहे हैं वो आप देख चुके हैं, और भी मैं आपको दिखा देता हूँ फिर भी फुटवियर हम यूज किस तरह से करते हैं। और क्लिच हमें नहीं दबानी होती, क्लिच का हमें इस्तेमाल ओनली गियर शिफ्ट करने पर होता है, जैसे हम अभी करेंगे। थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, क्लिच दबाओ, क्लिच दबा के सेकंड गियर दो। अब हल्की सी क्लिच छोड़ो, हल्की हल्की क्लिच छोड़ो। अब एक्सीलेटर प्रेस करो हल्का हल्का, क्लिच छोड़ दो। इस तरह से हम सेकंड गियर में भी गाड़ी को चलाएंगे। तो इस तरह से हम फुटवियर यूज करते हैं। फुटवियर यूज करने का तरीका यही है। हम अभी सैंडल में या चप्पल में यूज नहीं करवा रहे हैं, ओनली बिना सैंडल चप्पल के यूज कर रहे हैं। मैं रिकमेंड करूंगा आपसे कि आप जैसे बिगनर हैं तो अपने क्लिच को और एक्सीलेटर को चप्पल सैंडल पैर के यूज ना करें, या हमारे पैरों में जूते होने चाहिए, तब जाके हम उसको यूज कर सकते हैं। अब आप क्लिच दबाओ, पूरी क्लिच हमने दबा दी है, और उसके बाद में धीरे धीरे हमने ब्रेक अप्लाई कर दिया है इस तरह से। तो आप देख सकते हो हमारी गाड़ी रुक गई है, हैंड ब्रेक हमने लगा दिया है, तो उसके बाद में हम क्लिच से पैर हटा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जिनके कमेंट आए थे उनको भी इस समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही दिखा पाए हैं, इतना ही बता पाए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।